हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी दूंगी। गाइस, पिज़्ज़ा किसे खाना नहीं पसंद, तो आज मैं ये बताऊंगी आपको कि घर पे आप डिलीशियस पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। बट आज मैं आपको जो बाज़ार में रेडीमेड जो पिज़्ज़ा बेस आता है उसके साथ मैं बनाऊँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पिज़्ज़ा बेस जो रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है, तो वो ले लें आप। एंड यहाँ पे रेड कैप्सिकम लिया है मैंने, एंड ग्रीन कैप्सिकम है ये, एंड अनियन ले लिया है, प्याज ले लिया है, और मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले लिया है, एंड मैंने यहाँ पे लिया है पिज़्ज़ा सीजनिंग, एंड यहाँ पे सेज़वान सॉस यूज़ करूँगी मैं उसके पिज़्ज़ा सॉस के लिए। देन मैं यहाँ पे अमूल पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़ है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस को हम तवे पे थोड़ा गर्म कर लेंगे हल्का। गाइस, ये पिज़्ज़ा बेस उतना टेस्टी नहीं होता जितना कि हम फ्रेश घर पे इसे बनाते हैं, बट जब हमें एकदम से मन करे पिज़्ज़ा खाने का तो हम इसे ही यूज़ करते हैं। उतना टाइम नहीं होता हमारे पास, झटपट ये अवेलेबल होता है, सो हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं इस पे टॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेज़वान सॉस ले लिया है, उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें इसके ऊपर। आप चाहें तो इस पे पिज़्ज़ा सॉस भी आता है मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं इस पे प्याज डालूँगी, चारों तरफ फैलाते हुए एक एक करके रख दें। देन मैं इस पे शिमला ग्रीन शिमला मिर्च से इसे लेयर करूँगी। कहीं कहीं पे आप इसे डिज़ाइन बनाते हुए रख दें जिससे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, सुंदर लगे। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके रख लिया था उसे डाल देंगे हम, जिसके बिना पिज़्ज़ा तो अधूरा है मोज़रेला चीज़ के बिना। सो जितना चाहे आप इसमें डाल सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल दिया है। देन मैं लास्ट में इसे ऊपर से थोड़ा और सजा दूँगी। तो यहाँ पे मैं रेड शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए, और थोड़ा बचा हुआ चीज़ और ऊपर से डाल दें। ये देखिए, ये अभी से ही यम्मी लगने लगा है। तो अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो मैं इसे तवे पे बेक करूँगी, आप चाहे तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तवा का यूज़ कर रही हूँ, इसे ऊपर से ढक दें। देन आफ्टर 20 मिनट पिज़्ज़ा हो गया है रेडी, अच्छे से बेक हो गया है ये अंदर तक। अब इस पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दें अच्छे से चारों तरफ। ये देखिए कितना यम्मी और टेम्प्टिंग लग रहा है। ये हो गया है रेडी। अब इसे आप पिज़्ज़ा कटर से कट कर लें। ये कट चुका है, यम्मी पिज़्ज़ा रेडी है। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ डाल सकते हैं। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भी अच्छे अच्छे रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।